भी फर्स्ट राइट हैंड साइड वाला है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। फॉर बोथ वर द सेम साइज देन बोथ स्टेड सेम फ्रॉम 9th ग्रेड टिल 12th ग्रेड ओके देन कॉलेज फर्स्ट ईयर दिस स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली ओके दिस वाज नॉट दिस वाज इंक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग देन आई स्टार्टेड गेटिंग प्रॉब्लम बिकॉज बिफोर इट वाज लेस देन दिस ओके सो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? नॉर्मल प्रॉब्लम एक्चुअली आई स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज बिकॉज आई एम इनटू स्विमिंग एंड स्टफ सो आई कुड नॉट डू इट एनीमोर आई एम इनटू कॉम्पिटिशन बिकॉज योर वेट इज नॉर्मल There is no fat anywhere except this region, okay? So you ये जो है काफी asymmetrical है अगर हम दोनों देखें तो ये पूरा का पूरा ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आता है as compared to left hand side. So right hand side देखिए अलग से दिखता है ये and so ये काफी बड़ा है and अलग से काफी जो है protrude भी कर रहा है hang भी कर रहा है सो एसिमेट्रिकल गायनेकोमास्टी है जिसमें यहाँ से एक पंचर रोल करेंगे यहाँ से करेंगे मेनली ये ग्लैंडो टिश्यू है जिसको हमें रिमूव करना है और साइड का जितना भी है थोड़ा सा लाइपोसक्शन करेंगे जिससे थोड़ा सा स्किन टाइटनिंग हो जाए ठीक है। इसका स्किन काफी एक्सपेंड हो चुका है तो इनिशियली लूज रहेगा उसको मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे रिट्रैक्ट होने में ठीक है। तो हम कोई स्किन लिफ्ट सर्जरी नहीं कर रहे हैं हम वेट करेंगे 6 मंथ्स तक और उसमें मोस्टली आपका स्किन रिट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है। तो ये सर्जरी है जो हम भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कट यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं क्वेश्चन है यू कैन आस्क। हाँ वो एक ही पूछना था कि दिस साइड इज बिगर देन दिस राइट लाइक यस हाँ सो वो कैसा लाइक होगा आप? थोड़ा इसी साइड का स्किन लैक्सिटी रहेगा लूज रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो रिट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है। सो फिर आपको ये पता कैसे चला कि इसको गायनेकोमास्टी बोलते हैं? हाउ यू कम टू नो? इंटरनेट सीधे इंटरनेट देखा या डॉक्टर? नो आई वाज इन द जिम सो आई आस्क्ड माय कोच सो ही टोल्ड दैट यू वर्क आउट इफ इट डजंट गो देन इट्स अ ग्लैंड ओके सो ही ओनली टोल्ड मी दैट इट्स अ गायनो देन आई चेक्ड ऑन इंटरनेट ओके देन आई वाज कंफर्म दैट इट इज अ गायनो गायनो ओके ओके